हल्का बंदी है बेहतर नहीं की जाती तो क्या आप इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? बहरहाल हम किसी के लिए जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी पे एतबार किया है और ये कौम जो है माजरी कौम ये हमेशा एतबार करती आई है और हम की बात करना चाहिए आइंदा भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ना हमारे इंडिया के साथ कितनी दुश्मनी है, बातचीत हमें इंडिया से ही करनी पड़ती है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह वडेरे जागीदार, पीटीआई की तरह वडेरे जागीदार नहीं है। जो वहाँ में आप बता दें कि एमकेएम के अलावा कौन इलाकों में घूमता है। बहरहाल भुट्टो साहब का बयान आया है कि इलेक्शन के बाद जो है अगला मेयर ज्याला होगा। सर ये तो बयान है, ये बयान इन जगह इंदा रहना है ना, इन्हें तक फर्क कौन दो पाए। पानी एमकेएम ने तो इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है, वो उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। चोरी करके धांधली करके तो ला सकते हो आप अपना मेयर। अस्सलामु अलैकुम, न्यूज़ 99 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रिज़वी। नाज़िन, इलेक्शन की गहमागहमी है, 15 जनवरी को हैदराबाद और कराची में बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि 15 जनवरी को ही बलदियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ने इस फैसले को नामंजूर जो है करार दिया और उन्होंने कहा है कि हमें हल्का बंदियाँ मंजूर नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो है इस फैसले पर नज़रसानी ना की तो हम इस पर मज़ीद एहतजाज करेंगे। इसी हवाले से आज हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। अगर इनके मुतालबात ये पूरे नहीं किए जाते तो क्या ये इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़िम, MNA साबिर कायम खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आपके पीछे बोर्ड आवेदन किए गए हैं लोगों ने कि हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो महाजर दुश्मन पॉलिसियाँ नामंजूर हैं और शहर दुश्मन पॉलिसियाँ नामंजूर हैं, हालांकि जो सियासी की जो आपकी जो क्यादत है जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठी है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, जो सियासी पार्टियाँ होती हैं इनके ताल्लुकात इसी तरह होते हैं जैसे दो मुल्क होते हैं पड़ोसी, वो चाहे दुश्मन मुल्क नहीं हो। हमारे इंडिया के साथ कितनी दुश्मनी है, बातचीत हमें इंडिया से ही करनी पड़ती है। ऐसे ही जब हमें बातचीत करनी है, मसाइल हल करने हैं, तो जो यहाँ पार्टियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं चाहे कोई भी पार्टी हो उसके साथ हमें बैठना होता है, बात करनी होती है। एहतियाज अपनी जगह है ये साबित करने के लिए कि हमारे पास ये ताकत है, हमारी ये आवाज़ है जो लोगों का एहतियाज बता रहा है कि अगर आप नाइंसाफ़ी करोगे, हक नहीं दोगे तो फिर ये एहतियाज भी होंगे। बातचीत तो हर मौके पे हमेशा सबसे करते रहें, कल भी की थी, आज भी कर रहे हैं, मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। और जब डेफिनेटली जब आपका मेयर मुंतखब होता है तो वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा, फिर भी आपको सिंध हुकूमत के पास जाना पड़ेगा, तो क्या आप महाजनों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे? ये जो बात आप कह रहे हैं ये मुल्क का सिस्टम है, आईने पाकिस्तान का सिस्टम है। अगर मेयर को सिंध हुकूमत को जवाबदेह होना है, सिंध हुकूमत को वफाक को जवाबदेह होना है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। सर पिछले इलेक्शन में बलदियाती इंतखाबात में एमक्यूएम का इलेक्शन स्लोगन क्या था? इख्तियार सबके लिए। सर अभी आपने देखा होगा बैनर्स यहाँ अवेजा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहर दुश्मन पॉलिसियाँ नामंजूर, लेकिन जो सीनियर क्यादत है वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठी हुई है। नहीं, मुजाकरा तो करते हैं, उनसे बैठ के बातचीत करते हैं कि इन मसाइल को हल कर लिए, उन्होंने हमसे वादे वहीद किए हैं, वफाक इस पर गारंटियर बनाए, तो जारी बात है वो भी हमसे कहते हैं कि बैठ के बात करो, हम बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ गया है और वादे वहीद वही चले जा रहे हैं कि इलेक्शन की हल्काबंदी सही करेंगे, वो नहीं हो पा रही है। कहीं पे 30,000 पे यूसी बन रही है, कहीं पे 90,000 पे यूसी बन रही है। एक आदमी एक जगह सर, तीन आदमी मुंतखब होंगे, दूसरी जगह से एक ही आदमी मुंतखब होगा, जब ऐवानों के अंदर जाएंगे तो फिर ये सूरत हाल तो बहुत ख़राब होगी ना। फिर तरक्याती फंड्स हैं कि अगर मिसाल के तौर पे किसी एक यूसी के लिए 5 लाख रुपये दिए जाते हैं, 90,000 के यूसी के लिए भी वही पैसे और 30,000 के यूसी के लिए भी वही पैसे, तो ये तो ज़्यादती है ना। ये ज़्यादती सिर्फ कराची हैदराबाद के साथ नहीं है बल्कि मीरपुखा सनावशाह सक्कर लड़काना मेड़ दादू के लिए भी ज़्यादती है। हम तो उसके लिए मुतालबा कर रहे हैं कि उसको सही किया जाए। सर का हल्का बंदी है बेहतर नहीं की जाती तो क्या आप इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? बहरहाल हम किसी के लिए जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, मैदान में आएंगे। हाँ मैदान में रहेंगे इंशाल्लाह, हम ये मुतालबा तो ये मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आप मैदान में रहते हैं और आपका मेयर मुंतखब हो जाता है लेकिन फिर भी अंडर तो उसे गवर्नमेंट के होगा, तो हम वही तो सुप्रीम कोर्ट के काम आते हैं वाजे तौर के ऊपर, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके मुताबिक कानून के अंदर तब्दीली लाया जाए, ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। पाकिस्तान एमकेएम इलेक्शन विन करेगी कि नहीं?
इंशाल्लाह ज़रूर करेगी मैं अक्सरियत से। हाँ अक्सरियत से करेगी। आपके मुतालबात क्या हैं? मुतालबात यही है कि जो कोटा सिस्टम हमारा वो ख़त्म करा जाए, ये जो उन्होंने एक और क्या ना बलदियाती निदान में जो इन्होंने हल्का बंदियाँ बनाई हैं, एक तरफ 90,000 है हमारी तरफ 30,000 है, तो ये बराबर का हकूक दिया जाए। हम भी इसी मुल्क के क्या नाम है पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन फ़र्क वो हमको कहते हैं क्या नाम है तासुब बना। ये MKM नहीं कर रही, तासुब आप लोग कर रहे हो, कोटा सिस्टम आप लोगों ने करा हुआ है, सब कुछ हमारे जो हमारी बुनियादी हकूक है आप लोगों ने छीने हुए हैं। भाई हमारे मुतालबात ये हैं कि शहरियों को अपने हकूक दिए जाएँ। आप देखेंगे इस तरह से जो टाउन बनाए हैं और ये बिल्कुल गलत फैसला हुआ है ये, और हमारे असाजा जो वोटर हैं उनके घट गणे हुए हैं, शहरों के पूरा पंजो हक दियो, का जंग कोने का वेड़ कोने, असाके पंजो हक दियो, असाके पंजो सीटों दियो, खत्म गल। बहरहाल भुट्टो साहब का बयान आया है कि इलेक्शन के बाद जो है अगला मेयर ज्याला होगा। सर ये तो बयान है, ये बयान इन जगह इंदा रहना है ना, इन्हें तो कोई फर्क कौन दो पाए। सर आपके मुतालबात क्या हैं? अभी तो मुतालबात यही कि ये जो हल्का बंदियाँ जो हो गई हैं, ये जाली, ये रिगिंग है, ये प्री पोल रिगिंग है, ये और जाली लिस्टें जो बनाई गई हैं ये बिल्कुल पुरानी लिस्टें हैं, इसके अंदर वो मर्दमशुमारी के मुताबिक नहीं बनाएगी। हमने हमेशा जो है ना पीपल्स पार्टी पे एतबार किया है, और ये कौम जो है माजिर कौम ये हमेशा एतबार करती आई है, और हम ये बात करना चाहिए आइंदा भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ना, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये हम किसको बोल रहे हैं कि हमारा जो ना तो सफाई सुन रहा है ना आगे हमारी सुनाई हो रही है। हम सिर्फ आवाम में हमारे आने का मकसद यही है कि आवाम को हम बता रहे हैं कि जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो हमारे शहरी इलाकों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको बताने के लिए। आज तो बड़े अरसों से हो रहा है, आज हमें बड़े सालों से हो रहा है। सुना जमा आपके सियासी कायदे ने सर, वो आपसे वोट लेकर जीत जाते हैं और आपका अगला जो मेयर मुंतखब हो जाता हैदराबाद में और कराची में, तो गवर्नमेंट तो सिंध की है, वो सिंध के अंडर काम करेगा, फिर भी आपके सियासी कायदीन को सिंध हुकूमत के पास जाना पड़ेगा, क्या ये महाजर कौम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, इसको मान रहे हैं। मैंने आपको पहले चार्ज किया कि ये हमारा दिल जो है माजरों का दिल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ है, हमारे दिल में बेईमानी नहीं है, बेईमानी उन लोगों के दिल में जो हमसे वादा करने के बाद उस पर अमल नहीं करते हैं। हैदराबाद को पूरा कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया, अगर ये समझते हैं कि हम 90,000 वोट पे एक UC बना के और तीन UC 15-15, 20-20 हज़ार पे बनाकर हम ये दिखाएँ कि हम कराची और हैदराबाद में विन कर रहे हैं, तो ये MLO की जन्नत में रहते, इससे बदतरीन मुतासिब और पीपल्स पार्टी को हमने आज तक नहीं देखा। इन वसीम अख्तर साहब जो हैं बड़े ऐलान करते थे कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे पास पूरे इख्तियार हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और रोना शुरू कर देते हैं। देखो बात ये है कि इख्तियार तो जाहिर है कि निचली सतह पर जो हमें इख्तियार नहीं दिए उसका तो रोना है ना, हमने जब इख्तियार देंगे अवाम हमसे पूछती है, क्योंकि MKM हमेशा अवाम के बीच में रहती है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह वडेरे जागीदार, PTI की तरह वडेरे जागीदार नहीं है, जो अवाम में आप बता दें कि MKM के अलावा कौन ये इलाकों में घूमता है। पानी MKM ने तो इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है, वो उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, वो बेहतर जान। जिस तरह गैर मुनसिफाना तरीके से ये शहरी सिंध की हल्काबंदियाँ की गई है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी हो जमात इस्लामी हो, ये एक पैक्ट के जरिए शहरी सिंध पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल कब्जा करेगा सर, आपका शहर है आपका सिंध है, कौन कब्जा करेगा? देखिए सिंध हुकूमत को 15 साल होगा इन शहरी इलाकों में हुकूमत करते हुए, वो वोट लेते हैं आते हैं, लेकिन वो उनको शहरी सिंध से तो वोट नहीं पड़ता ना, भी वोट देते हैं, महाजर कौन भी वोट देती है? नहीं शहरी सिंध वाले जो पीपल्स पार्टी को तो वोट ना देते हो, शहरी सिंध के लोग आप वोट देंगे तो आएंगे, शहरी सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को नहीं सपोर्ट करते, वो अपनी गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों के तहत किसी तरह जो है ना वो शहरी सिंध पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल से सिंध गवर्नमेंट वजीर आला पीपल्स पार्टी का है, 15 साल के अंदर इनकी क्या गवर्नेंस रही है वो सबके सामने है, तो लोग इनको किसी सूरत शहरी सिंध में तस्लीम नहीं करते और ना वो लोग इनको वोट देना चाहते हैं। नारे MKM पाकिस्तान के कारकुन सड़कों पर निकले हैं और अपने हकूक का मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे हकूक को पूरा किया जाए और जो है हल्का बंदियों इस पर नज़रसानी की जाए। कैमरन फहीम लोधी के साथ अली रिज़वी को न्यूज़ 99 से दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।